नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ किरण। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के 17,000 से अधिक शिक्षक काली पट्टी बांध शिक्षण कार्य कर रहे हैं। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय नेता पूर्व मंडलीय मंत्री नवेंदु मठपाल ने बताया कि आज रामनगर में काली पट्टी बांध शिक्षण कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के साथ 2 माह पहले हुई बैठक में विभिन्न मांगों में सहमति के बावजूद विभागीय अधिकारियों और शासन द्वारा हमारी मांगों के प्रति उदासीनतापूर्ण रवैये के विरोध में राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज से चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में हाईस्कूल व इंटर कॉलेजों के 17,000 से अधिक शिक्षक आज काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। हमारी मांग है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी के साथ हमारे प्रांतीय नेतृत्व की जो वार्ता हुई और वार्ता के बाद जिन मांगों पर सहमति बनी उन सब पर शासनादेश निकले, उन जो भी सहमति के बिंदु हैं उनको पूर्ण किया जाए। लंबा समय बीत चुका है, इसलिए हम लोग आज चाहे वो पदोन्नति का मामला हो, चाहे हमारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र का मामला हो, चाहे 5400 ग्रेड पे का मामला हो, ये सब समस्याओं का निस्तारण किया जाए, इसलिए हम लोग आज चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं और काली पट्टी बांध करके आंदोलन में शामिल हैं। शिक्षण कार्य यथावत जारी रहेगा हमारा। आज प्रदेश भर के सभी शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आज एक दिवसीय सरकार के ऊपर अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर हाथ में काली पट्टी बांध कर शिक्षण कार्य कर रहे हैं। आपको बता दें कि राजकीय शिक्षक संघ के आह्वान पर आज प्रदेश भर के करीब 17,000 से अधिक शिक्षक अपनी पुरानी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ उन्होंने जाने को रोष व्यक्त किया है। तो वहीं आज प्रदेश भर के सभी शिक्षकों ने फैसला लिया है कि अपनी मांगों को लेकर आज जो शिक्षण कार्य के शिक्षक कर रहे हैं उन्होंने काली पट्टी हाथों में बांधकर शिक्षण कार्य शुरू करते हुए सरकार से अपनी पुरानी मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यदि सरकार ने इस बार भी उनकी मांगों को अनसुना किया तो पूरे प्रदेश में शिक्षक उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। रामनगर से राजीव। वहीं दूसरी ओर रामनगर में सरकारी अस्पताल को जब से PPP मोड पर दिया है तब से ही मरीजों, तीमारदारों, उनके परिवार वालों द्वारा लगातार अस्पताल पर आरोप लगाते हुए लापरवाही के मामले प्रकाश में आते रहे हैं। इसके विरोध में लगातार अस्पताल के बाहर कांग्रेस के साथ ही अलग संगठनों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा इसको PPP मोड से हटाए जाने को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं संजय नेगी ने कहा कि सत्ता पक्ष के लोगों की चुप्पी कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाती है कि उनकी इस अस्पताल में हिस्सेदारी है। बीच में कुछ दिनों पूर्व अस्पताल के अंदर कुछ लोगों के द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर जिससे कि अस्पताल के जो रूटीन के काम थे वो प्रभावित थे। उस संबंध में हॉस्पिटल मैनेजमेंट द्वारा लिखे जो भी वहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, चाहे ट्रीटमेंट में, चाहे पेशेंट में, चाहे अन्य को भी असुविधा होती है, अतः यहाँ पे धरना प्रदर्शन आके उनके लिखित पर प्रार्थना पत्र के क्रम में हमने थानाध्यक्ष रामनगर को ये निर्देश दिए कि हॉस्पिटल के अंदर किसी प्रकार का कोई धरना प्रदर्शन ना हो, किसी भी मरीज को या चिकित्सक को कोई भी असुविधा ना हो। ऐसा हमने कोई मीटर वगैरह नहीं किया, इसमें हमने जो अस्पताल का परिसर है उसके भीतर हमने बना दिया है, कोई भी ना किया जाए। कोई भी प्रदर्शन करना है या कोई भी इस प्रकार का प्रदर्शन करना है तो वो चिन्हित स्थानों पर ही करें, ऐसे स्थानों पर जहाँ पे जन सामान्य कोई असुविधा ना हो। देखिए, कहीं ना कहीं ये एक हिटलर शाही फरमान है और जनता की आवाज़ को दबाने का एक फरमान यहाँ पर जारी किया गया है। जब जब यहाँ पर लापरवाही होती है हम लोगों ने यहाँ पर धरना दिया। विगत 3 वर्षों में दर्जनों धरने हम यहाँ पे दे चुके हैं और आज एक नया फरमान मेरे सुनने में आ रहा है कि एक नया फरमान यहाँ से जारी कर दिया गया है कि हॉस्पिटल परिसर के अंदर जो भी धरना देगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निश्चित रूप से ये फरमान जनता की आवाज़ को दबाने के लिए, विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए फरमान जारी किया गया है और इसमें कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष की चुप्पी है, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, सत्ता पक्ष के नुमाइंदे हैं, उनकी चुप्पी ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत इस PPP मोड़ के अस्पताल में उनकी साझेदारी है, हिस्सेदारी है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है। और इस हिटलर शाही फरमान के खिलाफ हम उसका विरोध करते हैं और जब जब यहाँ पे अव्यवस्थाएं होंगी इस अस्पताल में अव्यवस्थाएं होंगी, अव्यवस्थाओं के खिलाफ हम धरना प्रदर्शन अपना जारी रखते हैं। बिल्कुल।
आपको बता दें कि अब रामनगर के सरकारी अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, जिसको लेकर एसडीएम राहुल शाह ने रामनगर कोतवाली पुलिस को निर्देश देते हुए कहा है कि जो भी अब अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने रामनगर के सरकारी अस्पताल में बेहतर सुविधाओं को लेकर कुछ वर्ष पहले इसे पीपीपी मोड पर दिया था, लेकिन जब से अस्पताल पीपीपी मोड पर गया तब से बदहाल स्वास्थ्य सुविधा है उसको लेकर लगातार चर्चा में, और विपक्ष के अलावा कई संगठन रामनगर के जो अस्पताल है इसमें स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करने को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, तो वहीं पीपी मोड पर हटाने की मांग भी लगातार कर रहे हैं। अभी हाल ही में पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन करते हुए इसे पीपी मोड से हटाने की मांग की थी, जिसके बाद एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से दिए गए पत्र के बाद यह निर्णय लिया गया। तो वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी ने इसे तुगलकी फरमान बताते हुए कहा कि स्थानीय प्रशासन या अस्पताल प्रशासन जो भी है वो सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि अस्पताल को पीपी मोड से नहीं हटाया गया और यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर नहीं किया गया तो जनता की आवाज़ को लगातार बुलंद किया जाएगा, चाहे कितने ही मुकदमे प्रशासन व सरकार लगाए, लेकिन वो अब अस्पताल की व्यवस्था सुधारने को लेकर जनता के साथ खड़े रहेंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे जे एन न्यूज। इसी के साथ ही रामनगर के विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा में कर्मचारियों की मदद के रूप में अन्य वन जीवों भी तैनात रहते हैं। अब चाहे वो जंगलों में मॉनसून की गश्त हो या फिर शिकारियों से वन्य जीवों को बचाने के लिए की जाने वाली गश्त, या फिर हमलावर होते बाघ या गुलदार जो ट्रैकुलाइज करने के लिए चलाए जाने वाला रेस्क्यू अभियान, इन सभी में वन्य जीव भी कर्मचारियों की मदद करते हैं। ऐसे ही 3 वन्य जीव कर्मचारियों की तरह ही जल्द रिटायर्ड होने जा रहे हैं। जी देखिए, कुछ एक हथनी है गोमती हथनी जिसकी उम्र 65 वर्ष को पार कर गई है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट की जिस तरीके से गाइडलाइंस हैं कि अगर 65 से ज्यादा की उम्र के जो हाथी हैं उनको सेवानिवृत्त किया जाता है और इनसे उसके बाद अपेक्षाकृत हल्का काम लिया जाएगा। यह गोमती हथनी थी, यह कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में लगभग जब इसकी उम्र 18 वर्ष तो तब इसको लाया गया था और वर्तमान में इसकी उम्र 65 से अधिक हो चुकी है, तो अभी जो वन जीव प्रथा है इसमें इसको सेवानिवृत्त करने का विचार चल रहा है। इसको डिकालन के क्षेत्र में ही रखा जाएगा और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट की गाइडलाइंस हैं कि हाथियों से अपेक्षाकृत हल्का काम लिया जाए उसके अनुसार इससे काम लिया जाएगा। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो स्निफर और डॉग प्रयोग में लाए जाते हैं उनकी भी उम्र लगभग 10 वर्ष से ऊपर हो चुकी है, तो ये भी जो गाइडलाइंस के मुताबिक है कि 8 से 10 वर्ष से ऊपर जो स्निफर डॉग हो जाते हैं। आपको बता दें कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में जहाँ एक और देशी व विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले कुछ वन्य जीव जहाँ एक और रिटायरमेंट की श्रेणी में आ गए, तो वहीं वन्य जीव जो है कॉर्बेट पार्क के रिटायर करने की पार्क प्रशासन तैयारी कर रहा है, तो वहीं वो यह वन्य जीव कॉर्बेट प्रशासन की मदद में भी काफ़ी मददगार साबित हुए हैं। कॉर्बेट पार्क के पार्क बार्डर अमित वासाकोटी ने बताया कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक हर वर्ष मनाए जाने वाले वन्य प्राणी सप्ताह में इस बार कॉर्बेट पार्क में जो हथनी है करीब 65 वर्ष की गोमती उसको सेवानिवृत्त 4 अक्टूबर को किया जाएगा, तो वहीं 2 डॉग स्पिनरों को भी जो है सेवानिवृत्त करने की तैयारी चल रही है। उन्होंने बताया कि कॉर्बेट पार्क की इन्होंने जहाँ एक और अहम परिस्थितियों में मदद की है, तो वहीं जहाँ पोचर पकड़ने के लिए जो डॉग स्पिनर है इनकी मदद ली गई है, तो वहीं कॉर्बेट में गश्त को लेकर भी हाथी जो गोमती हथनी थी इसकी भी काफ़ी मदद ली गई है, लेकिन उम्र के चलते अब इनको रिटायरमेंट करने का फैसला लिया गया। उन्होंने बताया कि 4 अक्टूबर को इन 3 वन्य जीवों को रिटायर किया जाएगा, उनके विदाई को लेकर पार्क प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा हुआ है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जे जे। ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जे जे एन न्यूज के साथ। धन्यवाद।